हेलो एवरीवन, आई एम कुलश फ्रॉम एमसी दिल्ली। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एंड मूवमेंट्स अपर लिम, लोअर लिम, नेक और ट्रंक। हाँ, इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये है इंट्रोडक्शन चैप्टर का एपिसोड नंबर 5 ऑफ जनरल एनाटॉमी ऑफ बीडी चौरसिया, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, मूवमेंट्स कौन सी होती हैं। लेकिन बेसिकली आप अगर बात करूँ सीधी बात, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें बहुत ही ज्यादा 100-150 मूवमेंट्स ही रखी हैं, ठीक है। हम उसको कंसीडर ना करते हुए हम इसे सिर्फ की सिर्फ आप देखोगे ना, आप सिर्फ एक चार डेफिनेशन पढ़ लोगे, चार डेफिनेशन से आप सारी मूवमेंट्स आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं जब इनिशियली स्टार्ट किया था, मैं भी बहुत फॉरगेटेंट था कि यार ये चारों इनमें बहुत सारे मूवमेंट्स रखी, 20-30 मूवमेंट रखे सबके अंदर, कैसे अंडरस्टैंड करूंगा सारे मूवमेंट्स को, ठीक है। लेकिन जब मैंने इन चार मूवमेंट्स के टाइप्स को पढ़ा, ठीक है, अंडरस्टैंड किया, तो बेसिकली मेरे को पता लगा कि सब कुछ तुमको आगे समझ में आ गया ऑलरेडी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली होगी नहीं, आप इनके चार डेफिनेशंस पढ़िए और बाकी मैं इसके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल मूवमेंट्स याद बताऊंगा आपको, जो आप इस वीडियो में और जाकर सीख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप समझ सके टाइप ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, उस स्पेशल ट्रिक के बारे में, ताकि आप जिससे आप चार डेफिनेशन के अंदर ही सारी मूवमेंट्स को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें अगर आप इसके लिए आपको इस वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगता है। तो प्लस बेसिकली इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर मूवमेंट आपके टॉपिक के, ठीक है, तो आप बेसिकली मुझे कमेंट कर सकते हैं नोट्स रिलेटेड। अगर कमेंट के अंदर 1K+ कमेंट अगर पहुंच गए मूवमेंट के रिलेटेड, तो बेसिकली मैं इसकी वीडियो नोट्स जरूर डालूंगा, क्योंकि बिकॉज मेरे को भी इसके नोट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं इस वीडियो को एंड तक, ताकि बेसिकली आप भी अंडरस्टैंड कर सके टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। आपने बेसिकली अपने 11th में चीज पढ़ी है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होती है, सिंपल सी बात कि जहां पर भी बॉडी अपनी जगह पर होते हुए भी अगर वो अपनी पोजीशन हल्की फुल्की भी चेंज कर देना, मतलब हमारे बोन अगर यूं भी कर रही है, ठीक है, तब भी ये मूवमेंट है, मतलब कोई भी हलचल अगर मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। लेकिन लोकोमोशन अलग है। लोकोमोशन क्या होता है, जब बॉडी अपनी एक पाथ से, मतलब एक जगह से बॉडी को दूसरी जगह लेके जाते हो, ठीक है, मतलब जब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है पूरी बॉडी का, उसे लोकोमोशन कहते हैं। तुम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि कोई भी चीज, मतलब मूवमेंट तो मूवमेंट लोकोमोशन है, ठीक है, लोकोमोशन मूवमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब हर लोकोमोशन जो है, ठीक है, वो ये नहीं कि मतलब ये तो मूवमेंट हो, इसका मतलब ये कि हर लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब स्टार्ट करेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में, कि मूवमेंट्स कितने टाइप्स की हमारे हमारे पास हमारे बोन्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और हाथ पैर सब जगह हमें कौन सी बेसिकली मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। मेरी जॉइंट्स की बात हो गई है, तो सिंपल जॉइंट्स के ऊपर ही होती है सारी मूवमेंट्स, तो ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। अगर हम ग्लाइडिंग मूवमेंट की बात करते हैं, तो लिखा है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइड का मतलब क्या होता है, आपने ग्लाइड पर पहले भी सुन रखा है, ग्लाइडिंग मतलब ग्लाइडर जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट पढ़ा था, ग्लाइडिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट पढ़ा होगा, प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। कि साइनोवियल जॉइंट्स अगर वैसे मैं आगे पढ़ने वाले जॉइंट चैप्टर के अंदर, साइनोवियल जॉइंट्स में क्लीन ग्लाइडिंग जॉइंट या प्लेन साइनोवियल जॉइंट ही बोलते हैं सिंपल से बात से, ठीक है। इन जॉइंट में क्या होता है बेसिकली, इनमें जो आपका आर्टिकुलेटरी बोन्स होती है, उन दोनों के जो सर्फेस होते हैं, जो बोन टू बोन अटैच होते हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, एकदम ऐसे होते हैं लाइक, मतलब उसमें कोई भी मतलब ये नहीं होता कि उनके बीच में जो सर्फेस होता है, जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होता है, ठीक है, सर्फेस मतलब ये वाला सर्फेस, ठीक है, जो आर्टिकुलेशन होता है दो बोन्स के बीच में, ये सर्फेस, ठीक है, इस आर्टिकुलेटिंग सर्फेस कहते हैं। ये काफी मतलब राउंड नहीं होता, ये काफी स्ट्रेट अप प्लेन लाइक दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो मूवमेंट होगी वो काफी प्लेन सी होगी, यहाँ पे जब ज्यादा एंगुलर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो देखोगे आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी कि एंगुलर, जो एंगल ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है, एंगल डू नॉट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, डू नॉट चेंजेस मोर फ्रीक्वेंटली, मतलब डू नॉट चेंजेस मोर, ठीक है, मतलब एंगल ज्यादा चेंज नहीं करता है, सिंपल जियोलॉजी का आप देखो तो ग्लाइडिंग मूवमेंट के बारे में, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसके हम थोड़ा सोचो तो आपको समझ में आएगा कि ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कार्पल्स के अंदर, टार्सल्स के अंदर। सुना हो कार्पल्स और टार्सल्स, कार्पल्स 8 होती है, टार्सल्स 7 होती है, तो पता ही होगा बेसिकली पैर में जो हमारी मेट्रास होती है, टार्सल तो पता ही होगा ना, बेसिकली ये जो रिस्ट है, रिस्ट जॉइंट जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर बना हुआ, ये सारे जो बोन्स होती है यहाँ पर, ठीक है, वो कौन सी बोन्स होती है, वो बेसिकली हमारी कार्पल्स ही होती है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो एक्चुअली ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, जहाँ पर बेसिकली बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है, उन एडजेसेंट बोन्स के बीच में ज्यादा एंगल चेंज नहीं करता है, और यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा मतलब आगे पीछे वाली होती है बस, ठीक है, मतलब साइडवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है, साइड मूवमेंट हो गई, जैसे हल्की फुल्की ये वाली हो गई मूवमेंट, जैसे हाथ है तो यूं हो सकता है वैसे, ठीक है। देख रहे हो आपको लग रहा है ज्यादा मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये इसकी मूवमेंट हो रही है, अगर देखो यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है, यहाँ मूवमेंट ज्यादा नहीं है, हल्की हल्की मूवमेंट है यहाँ पर, सिंपल सी बात, ठीक है। और आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो सिंपल कंडीशन क्या है कि एंगल यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं करता है, ठीक है, और मूवमेंट आपको दो तरीके से देखने को मिलती है, साइडवर्ड मूवमेंट हो गई या फिर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो गई, ठीक है। टू टाइप की मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है मेनली, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं है, सिंपल सी बात की ग्लाइडिंग जॉइंट बेसिकली वो जॉइंट है जहां पर बेसिकली जहां पर ज्यादा मतलब जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, ठीक है, वो ग्लाइडिंग करवाता है, ठीक है। मतलब ग्लाइडिंग का मतलब ग्लाइडिंग मूवमेंट का और भी नाम होते हैं, वैसे इसका मूवमेंट का और भी नाम है, इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है, या फिर इसे ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इसे ट्रांसलेटरी
ट्रांसलेटरी मोशन भी कह देते हैं कई बार। अगर आप देखोगे आगे जॉइंट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा जिसे ट्रांसलेटरी मोशन भी कहा जाता है, उसके बाद प्लेनर प्लेन मूवमेंट भी कहा जाता है। प्लेन मूवमेंट सिंपल है, तो प्लेन कंडीशन है बस, ठीक है, प्लेन मूवमेंट, ठीक है। तो चार बार नाम और दिए गए हैं इसके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेटरी मोशन, प्लेन मूवमेंट, ठीक है। तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट के एक पार्ट है, ठीक है, मतलब ये इसी के नाम है, ठीक है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट कुछ भी नहीं है, वो होता क्या है, जो कार्पल्स बोन्स होती हैं और टार्सल्स होती हैं उनका जो शेप होता है वो ऑलमोस्ट ऑर्टिवेटिंग सर्फेस होता है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट क्या होता है, मतलब एकदम प्लेन सा होता है। इस वजह से क्या होता है कि उनके अंदर इसकी हल्की हल्की मूवमेंट देखने को मिलती है बस, ठीक है। वो ज्यादा राउंड नहीं होता कि एकदम हल्के से, मतलब शोल्डर के अंदर हमारे बॉडी सॉफ्ट रोटेट होता है, ठीक है। चिकन में क्या होता है, हम कंप्लीट हाथ को रोटेट कर पाते हैं, ठीक है। तो बड़ा हाथ से रोटेट कर जाता है, ठीक है। मैं भी ग्लाइडिंग जॉइंट्स के अंदर हमारे ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ज्यादा चेंज नहीं करता है, साइड ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका इसका जो एग्जांपल है वो है कार्पल्स के अंदर मूवमेंट जो होती है और जो टार्सल्स मूवमेंट होती है, ठीक है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक में देखोगे आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन वहां समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है ग्लाइडिंग मतलब, ठीक है। ग्लाइड मतलब क्या होता है एक्जेक्टली, ठीक है। तो ग्लाइड मतलब क्या है, जो दो प्लेन सर्फेस होते हैं उनके बेसिकली आगे पीछे थोड़ा थोड़ा हल्का मूवमेंट होना, ठीक है, उसे ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। प्लेन मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलती है ग्लाइडिंग जॉइंट पर, ठीक है। तो अंडरस्टैंड हो गया होगा, बहुत सिंपल है ग्लाइडिंग मतलब क्या है, सिंपल सी बात कि कार्पल्स और टार्सल्स के ऊपर जो बोन सर्फेस होते हैं वो प्लेन होते हैं, या फिर क्या होता है साइड मूवमेंट के लिए मूवमेंट देखने को मिलती है, सिंपल सी बात। अगर आपको दो सर्फेस ले लो, ऑब्वियसली आप यूज करो बस लाइक दैट, जिसमें दिखा देता हूँ आपको, जैसे सपोज ये है, ठीक है, और ये है, ये तो भी राउंड है, ऑब्वियसली कोई ऐसी सर्फेस होता है जो बहुत ज्यादा एक लाइक दिस, ठीक है। ये दो सर्फेस हैं बेसिकली जो काफी ज्यादा मतलब स्ट्रेट है। अगर बेसिकली मैं सर्फेस को देखूं तो ये इतना ज्यादा मूवमेंट दिखा नहीं पाएंगे, हल्का पीछे आगे पीछे मूवमेंट दिखा सकते हैं या फिर यूनिवर्सल मूवमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना ज्यादा राउंड मूवमेंट नहीं दिखा पाएंगे कि आप राउंड मूवमेंट देख लो या फिर कोई ब्रॉड मूवमेंट देख लो, ठीक है। तो पर्टिकुलरली सिंपल लॉजिक है यहाँ पर लॉजिक बस इतना सा है कि आपको बहुत ही प्लेन सर्फेस दे रखा है, वो आगे पीछे मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब आती है एंगुलर मूवमेंट्स। एंगुलर मूवमेंट्स एंगल से समझ में आ रहा है कि एंगुलर है। एंगुलर मतलब क्या होता है कि एंगल से चेंज होना, ठीक है, मतलब एंगल, एंगुलर मतलब एंगल। तो यहाँ पे नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एंगल ज्यादा चेंज करेगा, ठीक है। एंगल चेंजेस फ्रीक्वेंट, एंगल चेंजेस मोर फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे एंगल ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, बहुत हाई लेवल पर चेंज करता है, ठीक है। आपकी बॉडी में ज्यादातर जॉइंट्स एंगुलर जॉइंट ही है, देखो सिंपल सी बात, ठीक है। अगर देखो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या होता है, हमारे पिछली वीडियो में बात की थी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर के बारे में, ठीक है। तो फ्लेक्सर मतलब क्या, फ्लेक्शन होता है जहां पे फ्लेक्सर फ्लेक्शन के फ्लेक्सर की तरफ मूवमेंट हो, ठीक है, या फिर कह सकते हो जहां पे एंगल कम हो, ठीक है, जहां पे एंगल डिक्रीज करता हो, या फिर फ्लेक्सर की तरफ मूवमेंट, फ्लेक्सर की तरफ। क्योंकि एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, अभी याद करोगे फ्लेक्सर कहां होता है, या फिर आप ये याद करो कि एंगल डिक्रीज करता है, वो मूवमेंट जहां पर भी होगी ना उस सर्फेस के अंदर जो अपोज सर्फेस होता है, ठीक है, वो फ्लेक्सर होता है, ठीक है। मतलब अगर पिछली आपको वीडियो में अगर समझ नहीं आया हो कि फ्लेक्सर कहाँ होते हैं क्या कंफ्यूजन होती है, क्योंकि पैरों के अपर लिम की और लोअर लिम की कंडीशन काफी अलग थी, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि फ्लेक्सर कौन सा होता है, एक्सटेंसर कौन सा होता है, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को अगर आपको नहीं भी याद करना है, ठीक है, तो आपको याद कर सकते हो कि फ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्लेक्शन इस तरफ होता है, वहाँ पे एंगल कम होता है, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ सीधा है। अगर बेसिकली एल्बो जॉइंट है मेरा, मैं उसे यूं करके लेके आता हूँ इस एंगल पे, ठीक है। तो मेरा जो ये पार्ट है, ठीक है, वो किस तरफ जा रहा है, इस सर्फेस तरफ जा रहा है। मैंने पहले बताया था कि एनाटॉमिकल पोजीशन में मैं खड़ा हूँ, बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर मैं खड़ा हूँ और उसको मैं यूं लेके आ रहा हूँ हाथ को अपने, ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट, तो बोलोगे ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये मैं हाथ लेके आ रहा हूँ अपना, ठीक है। तो मेरा जो हाथ है ये मेरा पाल में, ठीक है, किस तरफ जा रही है, मेरी इस सर्फेस की तरफ जा रही है, जो मैंने बताया था फ्लेक्सर होता है मेरा, ठीक है। जो बाइसेप्स यहाँ पे आती है इसलिए मेरा फ्लेक्सर होता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सर हमारा आ गया, सिंपल सी बात इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ एंगल डिक्रीज करता है, मैं पैर को मोड़ के देखो अपने, जिस तरफ मैंने फ्लेक्सर बताया था आपको, ठीक है, मतलब थाई के पीछे वाले रीजन की तरफ, ठीक है। थाई का थाई का जो अपोजिट रीजन है, थाई का फ्रंट वाला रीजन, थाई के अपोजिट वाले रीजन के अंदर आप अपने जो लेग है, अपना फुट है, उस तरफ लेके जाओगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे वाला रीजन में आप एंगल मूव कर सकते हो, वहीं पर एंगल छोटा होता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब एक्सटेंशन समझ में आ रहा है एक्सटेंड होना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है एक्सटेंड होना, ठीक है। तो सिंपल चीज है, मैं थोड़ा सा निमोनिक टाइप में चीज ऐसे है नहीं, एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड होना, लेकिन एक्सटेंशन तुम याद कर सकते हो, एक्सटेंशन मतलब कि जहां पर एंगल इंक्रीज करता हो, ठीक है। जैसे अगर आप देखो मैं फ्लेक्सर में हूं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, मेरा एंगल इंक्रीज किया और मैं चला गया, ठीक है, एंगल और इंक्रीज कर गया, सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब अब मैं किस तरह मूव कर रहा हूँ, बॉडी की पीछे की तरफ, ठीक है। अभी मैं इस तरफ आ रहा था तो इस तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मतलब पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसमें पीछे वाली रीजन को हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सर सपोर्ट रीजन होता है, उसे हमेशा क्या कहते हैं, एक्सटेंसर कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात, वही पैर में अगर तुम देख लो लोअर लिम के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है, तो तुम बेसिकली पीछे की तरफ जा रहे हो अपने पैर को लेकर, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारा जो एंगल है वो डिक्रीज कर रहा है, और वो आपका पीछे रीजन जो है, थाई के पीछे वाली रीजन, वो इसलिए वो क्या हो गया, वो आपका
मतलब पेल्विक जो नीचे वाला पार्ट है थोड़ा सा आपका थाई वाली जो आपका क्या हो गया वो फ्लेक्सर हो गया सिंपल सी बात। वहीं पर अगर आप अपने पैर को खोलने लग जाओ तो आपको समझ में आ रहा होगा आपका जो पैर है वो बियॉन्ड द लाइन तो इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन आप जा किस तरह हो थाई के सामने वाली जगह जा रहे हो सिंपल सी बात ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं एक्सटेंसर कहते हैं इसी वजह से ठीक है। अगर आपको एक्सटेंसर और फ्लेक्सर भी समझ में नहीं आ रही थी ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है उल्टा हो जाती है कंडीशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डोर्सल पार्ट हमारे पैर का उल्टा होता है कंपेयर टू हमारे हाथों से ठीक है सिंपल सी बात ठीक है। तो इसी वजह से हम जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में कंफ्यूज होते हैं कई बार, तो आपको याद रखना है अगर आपको फ्लेक्शन यहाँ से याद हो रहा है तो ठीक है फ्लेक्शन एक्सटेंशन ठीक है। अगर आप सिंपल माइंड में डाल लो जहाँ पे एंगल कम होता है ठीक है वो फ्लेक्शन होता है, जहाँ एंगल इंक्रीज करता है वो एक्सटेंशन होता है, उसी हिसाब से बेसिकली आप अभी याद कर सकते हो कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर क्या होते हैं ठीक है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है, ये इसको सिंपल तरीका है कि एक्सटेंसर की तरफ मूवमेंट बस सिंपल सी बात, अगर आप एक्सटेंसर फ्लेक्सर याद करो तो एक्सटेंसर फ्लेक्सर याद कर लो, वरना आप याद कर लो इसलिए जहाँ एंगल डिक्रीज करता है वो फ्लेक्सर होता है, मतलब जहाँ एंगल जिस तरफ एंगल डिक्रीज करता है उस तरफ फ्लेक्सर लाई करता है वो मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं ठीक है। मतलब एंगल मूवमेंट का टाइप है फ्लेक्शन सिंपल सी बात ठीक है। और दूसरे कंडीशन में एक्सटेंसर हम ले सकते हैं ठीक है। मैं अगर लेटरल फ्लेक्शन में जाते हैं तो बेसिकली लेटरल फ्लेक्शन क्या है, अब लेटरल फ्लेक्शन क्या होता है, लेटरल फ्लेक्शन होता है बेसिकली जैसे हमारी बॉडी है ये हमारा बेसिकली ट्रंक वाला पार्ट है, बेसिकली मैं इस बॉडी को यूं करके रोटेट करता हूँ तो हमारा साइडवर्ड मूवमेंट होता है ठीक है। इसी साइडवर्ड मूवमेंट को हम लेटरल फ्लेक्शन बोलते हैं ठीक है, कि लेटरल की तरफ एंगल कम करना ठीक है। अगर बॉडी को मिडल नहीं मान लो और बॉडी का एंगल यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ अपनी बेस से ठीक है, तो देखो अगर मैं यूं जाऊंगा तो मेरा एंगल कम हो रहा है इस तरीके से ठीक है। तो ये कंडीशन ये होती है कि साइडवर्ड मूवमेंट्स को जो होती है साइडवर्ड मूवमेंट्स को हम लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं ठीक है। अब इसको तुम्हें बेसिकली खुद महसूस करना पड़ेगा कि लेटरल फ्लेक्शन किस तरह हो सकता है। अगर बॉडी अपनी स्ट्रेट खड़ी है समझ लो 180 डिग्री है सिंपल सी बात, ये 180 डिग्री है, अगर बॉडी को यूं लेके जाऊंगा तब भी एंगल डिक्रीज करेगा इस साइड पर, मतलब इस साइड में एंगल डिक्रीज करेगा, बॉडी को मैं यूं लेके जाऊंगा तब भी मेरा इस साइड में बॉडी का एंगल डिक्रीज करेगा ठीक है। तो ये लॉजिक हमें समझ में आता है लेटरल फ्लेक्शन के अंदर ठीक है। तो सिंपल चीज है इसमें कुछ कंडीशन ऐसी कुछ पर्टिकुलर कंडीशन नहीं बहुत आसान है ठीक है, मतलब कुछ सिंपल कंडीशन देखते हैं, जहाँ पे एंगल कम होता है उसे फ्लेक्सर कहते हैं और जहाँ पे एंगल इंक्रीज करता है उसे एक्सटेंसर कहते हैं ठीक है। और उसी तरह से तुम याद कर सकते हो बस कि ये तुम्हें ये पॉइंट याद होना चाहिए वाला, ये तो सिंपल लॉजिक है कि फ्लेक्सर एंगल एक्सटेंसर से ये याद कर लो बस कि एक्सटेंड होता है एंगल ठीक है। तो बाकी फ्लेक्सर अपना भी याद हो गया कि एंगल डिक्रीज करता है, मैं इसमें तुम्हें पूरा याद करना तरीका समझा रहा हूँ कि बहुत सी चीजें याद नहीं होती हैं बहुत कंफ्यूज कर जाती हैं, फ्लेक्सर एक्सटेंसर फ्लेक्सर एक्सटेंसर कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज हो जाता है बिल्कुल ठीक है। कि अगर तुम्हें फ्लेक्सर और एक्सटेंसर याद नहीं हो रहा है कि बट इज एक्सटेंसर और बट इज फ्लेक्सर, तो यू शुड लर्न कि जहाँ एंगल इंक्रीज करता है उसे एक्सटेंसर कहते हैं, एक्सटेंड से एक्सटेंसर बना है सिंपल सी बात तरीके से याद रख लेना ठीक है। तो एक्सटेंशन जब एंगल इंक्रीज कर रहा है और एक्सटेंसर एक्सटेंसर की तरफ मूवमेंट होती है सिंपल सी बात ठीक है। समझ में आ गया इतना तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर आपको इस तरह फोकस करके चलना फ्लेक्सर एक्सटेंसर के ऊपर, अगर वो याद नहीं हो रहे तो एंगल डिक्रीज इंक्रीज पढ़ लो बस ठीक है। और एंगल डिक्रीज को तो आराम से याद कर सकते हो एक्सटेंड को एक्सटेंसर से करके ठीक है। बाकी लेटरल फ्लेक्शन सेंट्रल मूवमेंट बता दिया मैंने सिंपल सी बात, कुछ भी लॉजिक नहीं है ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है एबडक्शन एडक्शन के अंदर, देखो एडिक्ट होना एडक्ट को एडिक्ट याद कर सकते हो एडिक्ट से, कोई चीज़ से तुम एडिक्ट अगर हो जाते हो तो तुम उसकी तरफ जाते हो सिंपल सी बात। तो समझ लो हमारी बॉडी की जो बॉडी है ठीक है उसको पर्टिकुलर कोई भी बॉडी पार्ट जैसे हमारी हाथ हो गया ठीक है वो हमारे मिड लाइन का एडिक्ट हो गया ठीक है। तो हमारे मूवमेंट मिड लाइन की तरफ होती है मतलब बॉडी की तरफ होती है, इसे कहते हैं बेसिकली हम एडिक्शन ठीक है। ये अभी फ्रॉम मिड लाइन, ये अभी फ्रॉम मीडियन हो जाएगा टूवर्ड्स अ मीडियम ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है बेसिकली जब भी किसी चीज़ में एडिक्ट होते हो किसी चीज़ के तो तुम उस चीज़ के तरफ जाते हो ठीक है। तो एडिक्शन क्या है, एडिक्ट होना ठीक है सिंपल सी बात टूवर्ड्स द मिड लाइन। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि एडक्शन एडक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पर ठीक है। कि फ्लेक्शन जहाँ पे मूवमेंट एंगल डिक्रीज करता हो, एक्सटेंशन जहाँ पे एंगल इंक्रीज करता हो, एक्सटेंशन एक्सटेंड से याद हो जाएगा सिंपल सी बात। तो इसके थ्रू हम बेसिकली ये याद करेंगे फ्लेक्शन का अपोजिट होगा सिंपल सी बात और एक्सटेंशन फ्लेक्शन भी हमेशा याद हो जाएंगे ठीक है। बाकी लेटरल फ्लेक्शन कुछ भी नहीं, साइड मूवमेंट को लेटरल फ्लेक्शन कहा जाता है ठीक है। और एडक्शन एडक्शन क्या है, बॉडी का बॉडी से दूर जाना, एडक्शन से याद कर सकता है एडिक्ट होना, मैंने भी इस तरह से याद कर रखा है मुझे भी इस तरह से याद हुआ एडक्शन ठीक है। कि किसी चीज के एडिक्ट होना तो एडिक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स द मिड लाइन सिंपल सी बात ठीक है। और एडक्शन है एडक्शन टूवर्ड्स द मिड लाइन। अब देखो कुछ स्पेशल मूवमेंट भी आती हैं, वैसे कुछ पर्टिकुलर में स्पेशल नहीं है, बस ये है कि ये मूवमेंट एक सर्टेन प्लेस पर ही होती है ठीक है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल बता दूं इस तरीके से, हाँ रुक जाओ भी एग्जांपल बताया हूं, फ्लेक्शन का बता दिया, एक्सटेंशन बता दिया, एब्डक्शन और लेटर मूवमेंट बता दिया। एब्डक्शन एडक्शन कैसे, हमारी बॉडी का शोल्डर जॉइंट है ठीक है, इधर हमारा हाथ जुड़ा पड़ा है। अब इसलिए मान लो हमारी बॉडी इसकी तरफ आ रही है यूं करके, बॉडी कहाँ आ रही है, मिडलाइन की तरफ आ रही है, और बॉडी जब मैं यूं लेके जा रहा हूँ तो बॉडी मिडलाइन से दूर जा रही है ठीक है। तो इसको जब बॉडी हमारी दूर जा रही है मिडलाइन से ठीक है, इसलिए एब्डक्शन, और जब बॉडी पास आ रही है तो कहेंगे एडक्शन। वहीं पर जो जो हमारा लेग है ठीक है, अगर आप बेसिकली यूं करो मतलब जस्ट लाइक जैसे यूं हमारा लेग है तो हम इसे यूं करो ठीक है, तो बॉडी के मिडल से दूर जा रही है, हमें पास लेके आओ तो ये भी बॉडी के पास आ रही है ठीक है। तो बेसिकली क्या कहेंगे, एबडक्शन एडक्शन कहेंगे, जहाँ हमारी बॉडी की सर्फेस से मतलब कोई भी बॉडी पार्ट या कोई भी मतलब हमारा ऑर्गन बॉडी की तरफ आता है उसे कहते हैं बेसिकली एडक्शन, और बॉडी दूर जाता है तो उसे कहेंगे एबडक्शन। सिंपल लॉजिक है, माइंड में फिक्स कर लोगे ना ये सब जो चीज़ें हैं ना ये एक मिनट में काम खत्म हो जाएगा,
ग्लाइडिंग जॉइंट क्या, एंगुलर जॉइंट क्या, स्विच जॉइंट क्या, रोटेटरी मोशन क्या है, बस ये क्लियर हो गया ना, तो बाकी सारे जो मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रही होंगे, चेहरे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हाथों का क्या होता है, इसका क्या होता है, एक सेकंड में आ जाएगा सिंपल सी बात, ठीक है। अब इन चारों का जो मिक्सर है, देखो लेटर फ्लेक्शन को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी चारों मूवमेंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन, इन सबको छोड़ के बोलेंगे सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या होता है एक्चुअली, जैसे हमारा मेरा एक बोल, जब कोई पर्सन जैसे एक्ट एक एग्जांपल की बेसिकली एक पर्सन बॉलिंग करा रहा है, क्रिकेट में बॉलिंग जो होती है, क्रिकेट में बॉलिंग करा रहा है, तो मीडियम वो एक फास्ट बॉलर है जो बॉलिंग करा रहा है, मीडियम जो स्पिनर है जो भी है, तो बेसिकली वो क्या करेगा, बॉल पकड़ लेगा यूं करके, ये बॉल पड़ी है। अब अगर मैं बॉल पकड़ के बैठा हूँ ये, ठीक है, मैं बॉल पकड़ा, दोनों फिंगर क्रॉस कर ली और मैं उसकी बॉडी को यूं फेंकने जा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी यूं करके बॉडी को लाएगी, पहले बॉडी मेरी पास थी, अब दूर चली जाएगी ऐसे करके, फिर ऊपर आएगी, फिर बेसिकली बॉल आगे आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, यूं। तो बॉडी मेरी पहले पास आई फिर दूर गई, क्योंकि जल्दी हम जब यूं करते हैं तो हमारी बॉडी को पहले दूर जाती है, तो आगे से फिर दूर गई, ठीक है, तो पास फिर दूर गई, ठीक है, और फिर हमने हाथ को रोटेट कर दिया पूरा कंप्लीटली, ठीक है। सोच रहा हूँ फ्लेक्शन एक्सटेंशन का हुआ, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हुआ, देखो यूं करा तो ये फ्लेक्शन था, फिर जब हाथ को खोला तो एक्सटेंशन हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस बॉलिंग एक्शन समझ सकते हो सर्कमडक्शन क्या होता है, ठीक है। सर्कमडक्शन क्या होता है, जो बॉडी हमारा हाथ कुछ इस तरह रोल करे कि बेसिकली कोन फॉर्म कर ले, जैसे हमारा मैं अपना हाथ घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कोन फॉर्म हो रहा है बेसिकली, ठीक है, इसे सर्कमडक्शन कहते हैं, ठीक है। कंप्लीटली सर्कमडक्शन में कोन फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कोन में देख रहे हो एक्सटेंशन तो होता है, फ्लेक्शन तो हो नहीं रहा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो मैं बोलोगे, ठीक है, तो बॉलिंग के अंदर कंप्लीट देखोगे, कंप्लीट देखने को मिलता है, ठीक है। जब कोई पर्सन बॉलिंग कराता है तो उसके दौरान बेसिकली क्या होता है, वो कंप्लीट सर्कमडक्शन देखने को मिलता है, उसमें एक्सटेंशन भी होता है, फ्लेक्शन भी होता है, एबडक्शन भी होता है, एडक्शन भी होता है। जैसे आप देखो ये फ्लेक्शन हो गया, फिर मैं हाथ खोला बॉलिंग कराने के लिए और ये फ्लेक्शन हो गया और मैंने दूर बॉडी के गया तो एडक्शन एबडक्शन हो गया, और मैं बॉडी के पास ला रहा हूँ दोबारा तो एडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है, कुछ ऐसे लॉजिक याद रखना बेसिकली कि एबडक्शन एडक्शन हर जगह हो सकता है, ठीक है। तो क्रिकेट में बॉलिंग कराते हैं तो बेसिकली इन चारों का बेसिकली फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन चारों का इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं सर्कमडक्शन, ठीक है। तो पर्टिकुलरली क्रिकेट में बॉलिंग के दौरान हमें सर्कमडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक सिंपल लॉजिक को याद रखो, कंडीशन एकदम क्लियर हो जाएगी। ग्लाइडिंग जॉइंट जहां पे दो बेसिकली बोन आपस में इंटरलिंकिंग है, काफी ज्यादा प्लेन है, इस वजह से कंडीशन के बीच में आगे पीछे मूवमेंट देखने को मिल रही है, साइड मूवमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि एंगुलर मूवमेंट में क्या है कि बोन्स में जॉइंट है, जॉइंट कौन सा, साइनोवियल जॉइंट है, वो भी साइनोवियल ऐसा जॉइंट है जहां मूवमेंट हाई लेवल पर देखने को मिलती है। यार सारी साइनेबल जॉइंट पर हाई लेवल मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, फिर ग्लाइडिंग जॉइंट भी या प्लेन जॉइंट भी क्या है, वो भी एक साइनेबल जॉइंट ही है, लेकिन मूवमेंट वहां देखने को नहीं मिल रही है इतनी ज्यादा, ठीक है। तो एंगल मूवमेंट आगे देखते हैं, एल्बो जॉइंट कौन सा जॉइंट है हमारी बॉडी के अंदर, वो बताएगा, पता होगा वैसे आपको मोस्टली कि इसे हिंज जॉइंट या फिर गिंगलाइमस जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आगे भी पढ़ेंगे बेसिकली हिंज जॉइंट और गिंगलाइमस जॉइंट के बारे में, ठीक है, कि क्या होता है ये, कैसी भी बोन कंटिकुलेशन होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या मूवमेंट देखने को मिलती है, कौन से कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो आगे देखेंगे उसके, अब वो स्पेशल देखो, अब स्पेशल मूवमेंट्स में बताएंगे बेसिकली सर्टेन जॉइंट्स पर देखने को मिलती है, सर्टेन जॉइंट्स पर याद रखना, ठीक है, मूवमेंट सर्टेन जॉइंट्स पर देखने को मिलती है, हर जॉइंट पर मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं पर्टिकुलर दूं, तो पहला एग्जांपल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो रेडियो उलनर जॉइंट पर, ठीक है। अगर हम इनफीरियर रेडियो, ये सुपीरियर रेडियो उलनर जॉइंट है, रेडियो और उलना, देखो अंदर की तरफ मिडिल पोजीशन के अंदर जो हमारी बोन होती है उसे कहते हैं रेडियस, और जो बाहर की तरफ है उसे उलना कहते हैं, ठीक है। लेटरल पोजीशन में जो बोन है वो है बेसिकली उलना, और जो इन मिडिल पोजीशन पे वो है बेसिकली रेडियस। आपको कमेंट करना है इसके अंदर बेसिकली कि हमारी जो लेग्स होते हैं उसमें मिडिल की तरफ कौन सी बोन लाई करती है और लेटरल की तरफ कौन सी बोन लाई करती है, ठीक है। टीबिया फिब्यूला लाई करती है, लेकिन टीबिया मिडिल पे होती है, फिब्यूला मिडिल पे होती है, आपको बेसिकली ये कमेंट करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली जो रेडियल नर्व जॉइंट होता है, ठीक है, उसमें आपकी रेडियस अंदर की तरफ होती है, मिडिल की तरफ होती है, आपकी उलना जो होती है बेसिकली, ठीक है, वो आपकी लेटरल पोजीशन के अंदर होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर इनके बीच में होता है बेसिकली रेडियो उलनर जॉइंट, बड़ी समझ में आ रहा होगा रेडियस उलना से, सिंपल सी बात, ठीक है। रेडियस उलना, रेडियो उलनर जॉइंट हो गया, ठीक है। तो रेडियो उलनर जॉइंट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो रेडियस से उलना है, सिंपल सी बात इसके अंदर, ठीक है। तो इनफीरियर वाला बात कर रहा है, सुपीरियर वाला ये हो गया, इनफीरियर वाला ये हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इनमें क्या होता है एक्चुअली, आप देखो अगर आपका हाथ, ये मूवमेंट, ये आपका हाथ है, अब ये जो हाथ है मैं अनडमेंट पोजीशन में होगी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अगर अनडमेंट पोजीशन में देखो तो ये हाथ मेरे यूं और यूं हो सकता है, ठीक है, मेरा हाथ ये नहीं हिल रहा, ठीक है, ये भी वैसे ही है वैसा, ठीक है, लेकिन ये चीज हिल सकती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सुपिनेशन प्रोनेशन, ठीक है। अब आपको याद रखो सुपाइन और प्रोन पोजीशन से, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वही है, सिंपल सी बात है, ठीक है, इनका लॉजिक अलग है लेकिन, ठीक है, एक होता है सुपिनेशन, एक होता है प्रोनेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, आपको अब आप इसमें लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा गैस करो, हमने सुपाइन पोजीशन में क्या पढ़ा था, सुपाइन पोजीशन में पर्सन कैसे लेटा हुआ था,
वेंट्रल साइड से या डोर्सल साइड से अपनी, ठीक है। आपको पता होगा आपका जो पर्सन था वो कौन से लेटा हुआ था सुपाइन पोजीशन के अंदर, एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर ही वेंट्रल पोजीशन में लेटा हुआ था, ठीक है। मतलब वेंट्रल कह रहा हूं, वेंट्रल पोजीशन में लेटा हुआ था, ठीक है। तो वेंट्रल पोजीशन में होगा सिंपल सी बात ये भी कंडीशन, ठीक है। और एक इसमें होगी डॉर्सल में होगी, ठीक है। मतलब क्या है, अगर वहाँ रेडियो अलर्ट का जो हैंड है हमारा, ठीक है, अगर ये हैंड मेरा इस पोजीशन में है तो इसे कहेंगे सुपीनेशन, ठीक है, और ये उल्टा है तो इसे कहेंगे प्रोनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यही थोड़ा कंफ्यूज करता होगा कि जब रेडियो अलर्ट जॉइंट, रेडियो अलर्ट जॉइंट कौन सा होता है भाई, पहले क्योंकि माइंड में यही आ रहा है रेडियो अलर्ट जॉइंट कौन सा है। अगर भी आगे रेडियो अलर्ट जॉइंट कौन सा होता है तो आपके समझ आएगा सुपीनेशन प्रोनेशन की क्या होगा। तो यहाँ पर तुम लॉजिकली याद करने का तरीका ये, ठीक है। मैं आपको हर टॉपिक के अंदर जाकर होती है निमोनिक्स बताऊंगा, निमोनिक के तरीके से कि आप सुपीनेशन है, तो सुपीनेशन क्या है, सुपाइन पोजीशन से याद आ रहा होगा, सुपाइन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे समझ आ रहा होगा प्रोन पोजीशन, ठीक है। तो वही कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। किसे कहते हैं सुपाइन पोजीशन, इसे कहते हैं प्रोन पोजीशन, और इसी वजह से कंडीशन होती है शुरू, ठीक है। ये होता है सुपाइन पोजीशन, ये होती है प्रोन पोजीशन, सिंपल सी बात, ठीक है। कि जब आप बेसिकली आपका सुपाइन मतलब अपर, मतलब वेंट्रल पोजीशन का ऊपर होना, ठीक है। ऊपर मतलब अभी जब पढ़ा था आपको याद होता है, जब हम सीधे लेट गए थे तो उसे कहेंगे सुपाइन, और वहाँ पे जब हम उल्टा लेट रहे थे तो प्रोन था, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, ठीक है। जब हमारा हाथ अगर रेडियल जॉइंट का मूवमेंट हो रही है तो ये जो हाथ सीधा लग रहा है, ठीक है, सुपीनेशन, और जब उल्टा करेंगे प्रोनेशन। सोचोगे इसका इस्तेमाल क्या है, ऐसा कौन करता रहता है यूं करके, ठीक है, करते हो आप भी, ठीक है। जब इसलिए खाना खाते हो तो उस खाना खाते के दौरान जब अपना हाथ यूं करके लेके जाते हो खाना उठाने के लिए, तो उनसे मतलब क्या कर रहे हो, प्रोनेशन कर रहे हो। और जब खाना आप मुंह में डाल रहे हो और वापस ला रहे हो अपने हाथ को, ठीक है, तो खाना मुंह में डालते टाइम बेसिकली जो मूवमेंट करी वो थी सुपीनेशन, ठीक है। तो सुपीनेशन प्रोनेशन हर कोई करता है, सबको ये याद रखना है किस तरह से मूवमेंट होती है, सिंपल सी बात, ठीक है। बहुत सिंपल है लॉजिकली ये सब, ठीक है। सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है इसके बाद, वो बेसिकली रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है, एग्जांपल वहां पे लिखेगा नहीं। सेकंड है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरो मतलब टेम्पोरल बोन, ठीक है, मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल, ठीक है। तो ज्यादा जॉइंट्स के नाम इसी तरह से रखे जाते हैं, ठीक है। शुरू में कुछ लोग ऐसे उल्टे सीधे जॉइंट के नाम रख रहे होंगे, तो सोचा कि पैरल बन रहे हो उन बोन्स के आगे पीछे वाले नाम के रूप में रख दो, ठीक है, तो वैसे ईजी रह गया आप हमारे लिए, ठीक है। कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है, टेम्पोरल बोन कौन सी वाली जो हमारे कान के पास यहाँ लाई करती है, ठीक है, स्कल की बेसिकली जो हमारे कान के पास लाई करती है, स्कल के पास जो स्कल की जो बोन जो कान के पास लाई करती है उसे कहते हैं टेम्पोरल बोन, ठीक है। वही होती है मैंडिबल, आपको पता है ये जॉ बोन को मैंडिबल जॉइंट बोन कहते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये जो टेम्पोरल और मैंडिबल जॉइंट जो बनता है, ठीक है, इसमें आपको यहाँ जॉइंट बनता है टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट, ठीक है। उसमें से क्या होता है, यहाँ पे बनता है एक्चुअली टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट, जिसमें आपको एक स्पेशल मूवमेंट देखने को मिलती है, कहते हैं बेसिकली हम प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन प्रोटेक्शन नहीं प्रोट्रैक्शन ट्रैक ये वाला और रिट्रैक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन रिट्रैक्शन का मतलब मैं सिंपल से एक लॉजिक समझाऊं तो ये है कि अगर आपको बेसिकली मान लो या फिर किसी पर्सन का माउथ है, ये नोज हो गई पर्टिकुलरली इसका माउथ है, ठीक है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब अगर तुम कंसीडर करो कि ये पर्टिकुलर पर्सन का माउथ है और ये चीज जो है इसके माउथ को बंद कर, दूसरा जो है इसका, ठीक है, ये आगे तक जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये आगे की तरफ जाता है इसका जॉ, ठीक है, तो इसे कहेंगे बेसिकली हम क्या, प्रोट्रैक्शन, मतलब किसी पर्सन का जॉ जो आगे की तरफ है, ये वाला पार्ट, ये जो है ये वाला जो है अगर ये आगे तरफ चला जाए, ये देंगे प्रोट्रैक्शन, ठीक है। वहीं पे अगर ये जो है, ठीक है, अंदर की तरफ चला जाए इस बोन को कहेंगे रिट्रैक्शन, ठीक है। तो रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन दो डिफरेंट टर्म है, जिसमें इसलिए आपका माउथ आगे की तरफ और आपका माउथ पीछे की तरफ चला जाता है, इसे कहते हैं इसलिए प्रोट्रैक्शन, उसे कहेंगे रिट्रैक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन रिट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसमें सबको समझ में आ गया होगा, मुस्लिम को समझ में आ ही रहा है, ठीक है, कि मेरे को समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली सिंपल लॉजिक है, ठीक है, कि बेसिकली एंगल मूवमेंट कौन सी है, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स कौन सी है, स्पेशल मूवमेंट्स कौन सी है, ठीक है। इतने समझा दिया मुस्लिम, मैंने एंगल मूवमेंट की साइड टाइप समझा दी बेसिकली आपको अभी तक, ठीक है। और एक कंफ्यूज आई दूर हो गई, इसमें निमोनिक्स बताया मैंने क्या कंडीशन है। प्रो मतलब क्या होता है, देखो रिट्रैक्शन मतलब रिट्रेस करना, पीछे की तरफ आना, सिंपल सी बात, ठीक है। और प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए मूव आगे तरफ लेना, ठीक है। तो आपको इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। थर्ड पार्ट भी, एक थर्ड एग्जांपल भी इसका, सिंपल सी बात, ठीक है, जो है उसके जस्ट ऊपर आप देखोगे ना बोन, जो जस्ट कह सकते हो कि हमारे जो जॉइंट होता है हमारा, क्या कहते हैं उसका, टीबिया फिब्यूलर जॉइंट है, ठीक है, उसका जो इंफीरियर वाला पार्ट है उसके पास बोन पाई जाती है, टेलस,
ठीक है, तो मतलब कह सकते हो दो बोन, मतलब रेडियो जो टीबियो फिबुलर जॉइंट है, ठीक है, टीबियो फिबुलर जॉइंट के नीचे एक बोन पाई जाती है जिसे हम टैलस कहते हैं। और जो टेलस है ना, टैलस वो क्या करता है, इसलिए एक बोन है इसके अंदर, इसलिए उसमें क्या होता है, जॉइंट बनता है, ठीक है। तो सब टेलर जॉइंट होता है, सिंपल सी बात, ठीक है, टेलस बोन के अंदर जो हमारे पैरों में पाई जाती है, ठीक है। बाई स्पीशी मूवमेंट देखने को मिलती है, इन्वर्जन और एवर्जन, इन्वर्जन और एवर्जन और इवर्जन। अबे इवर्जन इवर्जन क्या, आपने बुक में देखा होगा ऐसे भी, ठीक है। इन्वर्जन क्या है, लेट्स सपोज ये मेरा फुट है, ठीक है, ये मेरा फुट है, सिंपल ऐसे ही होता है, मैं सिंपल सी बात सबका, ठीक है, मैं जस्ट लॉजिक दे रहा हूँ कि मेरा फुट है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एडी जो होती है कई बार आपकी, ठीक है, यू करके मूव कर सकती है और आपकी कई बार ये यू मूव कर सकती है। तो उस कंडीशन को यू यू मूव करने वाले कंडीशन को कहते हैं बेसिकली इन्वर्जन एवर्जन, ठीक है। कि लेट्स सपोज ये मेरा बेसिकली राइट लेग है, ठीक है, अपने पैर को देख लो, अपने पैर को ले लो, ठीक है। अब इस पैर को लेने के बाद आप ध्यान समझो, सोचो एक बार, ठीक है, कि आपका एक राइट लेग है, अपना राइट लेग ले लो, असली में मैं तो अपना हाथ दिखा रहा हूँ, राइट लेग ले लो, और इसलिए इसमें क्या करो, अपनी जो एडी है, ठीक है, जो फुट है, उसे स्ट्रेप करके देखो इस साइड पर, अंदर की तरफ हो रही है, इसे कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब इन अंदर की तरफ आना, ठीक है। और यहीं पर आपकी जो जो बोन है, ठीक है, भाग की तरफ भी चली जाएगी, ठीक है, कहेंगे इवर्जन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इसमें समझ में आ रहा होगा सबटेलर जॉइंट क्या करता है, टेम्पोमेंडिबुलर जॉइंट क्या करता है और रेडियोलर जॉइंट क्या करता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल लॉजिक के साथ आपको समझ में आ गया होगा, इन्वर्जन मतलब अंदर आना, इवर्जन बाहर जाना, ठीक है। और इसके बाद टेम्पोमेंडिबुलर जॉइंट का क्या लॉजिक है, इसका हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट से माइंड में नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में इसकी नोमेंडिस के निमोनिक्स ही बताए हैं बेसिकली। वीडियो को पॉज करो और उसी तरीके से बेसिकली जो भी आपको इसमें लगता है कि हाँ यार समझने वाला है, और थोड़ा सा इसमें जो मैंने निमोनिक्स बताया उसको अच्छे से कॉपी मार लो, ठीक है, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं होते बनना आसानी से जॉइंट, ठीक है। ये सब एक ही जगह पर समझा दिया गया है, ठीक है। आपकी रोटेटरी मोशन के अंदर ना एक सिंपल लॉजिक है, एक और थोड़ा रोटेटरी मोशन होते हैं, ठीक है, जो रोटेशन मोशन नहीं रोटेटरी मोशन है, इसे रोटेशन ही बोलो, चलो कोई नहीं, ठीक है, रोटेशन बोलो, ठीक है। रोटेशन क्या है, देखो थोड़ा की रोटेशन देखने को मिलती है हमारे हाथों के अंदर, ठीक है। रोटेशन क्या है, जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्लस हॉरिजॉन्टल प्लेन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको कहते हैं बेसिकली हम रोटेशन, ठीक है। तो हमारे बेसिकली देखो ये हमारा मेरा हैंड है, अभी हैंड जो है, ठीक है, अभी बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये होगी, लॉन्गिट्यूडनल आ गया ऊपर से, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये पॉइंट, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया मेरा, ठीक है। तो ये मेरी जो जॉइंट बन रहा है, एल्बो जॉइंट, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इतना मूवमेंट ला रहा हूँ ये मूवमेंट, और मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हो रही है, ठीक है। तो मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर हो और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हो, इसे कहेंगे मीडियल रोटेशन, ठीक है, या फिर लेटरल रोटेशन, ठीक है। तो देखो उसमें दो टाइप देखने को मिलते हैं, मीडियल और लेटरल। अब मीडियल क्या है, देखो मीडियल समझ में आ रहा होगा मीडियन की तरफ, और लेटरल अवे फ्रॉम द मीडियन, सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। मीडियन मतलब टुवर्ड द मीडियन और लेटरल मतलब अवे फ्रॉम द मीडियन, तो नॉर्मल वर्ड्स होगा, तो लगता है वर्ड याद हुए होंगे। हाँ तो कहना था मीडियल मतलब अंदर की तरफ, मीडियन की तरफ, सिंपल सी बात, मीडियन की तरफ, सिंपल सी बात, और अगर लेटरल मतलब मीडियन से दूर, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वही सिंपल लॉजिक है कि अगर आपको बेसिकली ये मैं अपना एल्बो जॉइंट ले लूं, एल्बो जॉइंट बेसिकली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्रोवाइड कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन है मेरा, सिंपल सी बात। अगर बेसिकली मैं यूं करता हूं तो क्या कर रहा हूँ, बॉडी की सर्फिस की तरफ रोटेट करता हुआ आ रहा हूँ, बॉडी की सर्फिस की तरफ रोटेट करता हुआ आ रहा हूँ विद फिक्स रेडियस, ठीक है। तो ये उसके मिडिल रोटेशन, सिंपल सी बात, ठीक है। और मैं बॉडी के दूर जा रहे हो इसलिए यू करके, तो बेसिकली मेरा एल्बो जॉइंट जो है बेसिकली क्या कर रहा है, ये फिक्स रेडियस के अंदर बेसिकली से भाग बॉडी की तरफ, बॉडी से दूर लेके जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं यूं करके एंडोजन पोजिशन में आ जाऊँ, ठीक है, और बेसिकली अपना हाथ यूँ रख लूँ और मैं यूँ लेके जाऊँ, इसे कहेंगे मिडिल रोटेशन, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्रोवाइड हो रही है मुझे, यूं ले लो, सिंपल सी बात, ठीक है, यूं ले लो तभी बात वही पड़ेगी, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्रोवाइड हो गई, सिंपल सी बात, ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रोवाइड हो गया, ठीक है, बॉडी रोटेट कर रही है मेरी, ठीक है, ये मीडियल रोटेशन हो गया, सिंपल सी बात यहाँ से, ठीक है। वहीं पर ये चीज क्या हो गई, मतलब ये हो गई लैटरल मूवमेंट, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, रोटेशन सिंपल लॉजिक है, रोटेशन क्या है, रोटेशन सिंपल सी बात है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर जो मूवमेंट होती है, जो मेरे पर्टिकुलर जॉइंट होता है वो एक्सिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी हमारा जो हाथ जिस डायरेक्शन में, हमारा लाइन से हमारा जो हाथ का सेगमेंट है जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है, उसे हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल जाता है, ठीक है। तो जहां पर ये मूवमेंट, ये दो चीज देखने को मिले, और एक रोटेशन देखने को मिले टुवर्ड द बॉडी, इसे कहेंगे मीडियल रोटेशन, और दूर देखने को मिले कहेंगे लैटरल रोटेशन, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, दूर लैटरल पास मीडियल, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन खत्म हो चुकी है, होपफुली सारी मूवमेंट समझ में आ रही होंगी, और ये मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा इजी हैं, इसको मेरे को लगता नहीं ज्यादा मुश्किल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, या फिर कुछ ऐसा डिफिकल्ट है इसके अंदर, बाकी आप नोट कर सकते हो उसे। तो इसे पॉज करिए वीडियो को और नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है, जो आपको इसमें लगता है कि हाँ यार इसमें ये जो ईजी वे है, आप एक्सट्रैक्शन एक्सटेंड नोट कर सकते हैं।